दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इनबीसीएन न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों इनबीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है गढ़चिरौली से माइलस्टोन के संस्थापक मनीष लंबत सर, कुशाल गिडाम सर, आशीष कंवार सर और रंजीत दास को। सर आप चारों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दोस्ती से लेकर बिजनेस पार्टनर तक का सफर इन चारों ने बखूबी निभाया है। गढ़चिरौली शहर में ही पले बड़े हैं, अलग अलग परिवारों से ताल्लुक रखा है, इसके बावजूद इनमें दोस्ती, आपसी सूझबूझ और एकता बेमिसाल है। आइए जानते हैं इनकी इन्हीं मजबूती और दोस्ती की बेमिसाल जोड़ी के बारे में। इन्होंने आज अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मनीष सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैम, जैसे हम आपने जैसे अभी कहा कि एक आपसी समझबूझ से हम ये काम करते हैं, तो एक सेम एज के होने के कारण और उद्देश्य हमारा जो कंपनी जो हमने स्टार्ट की थी उस टाइम पे हमारा जो उद्देश्य हमने एक सभी के विचारों से जो बना था उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोच भी एक है और इसी के वजह से हमारा डिसीजन जो है वो सेम आते हैं। जी, अपने ग्रुप को स्थापित करने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं कि आपको बैठा बैठा है जो है वो इतना बड़ा एम्पायर मिल गया है। आप लोगों ने अपनी मेहनत और इतनी कम उम्र में ये जो इतनी सारी चीजें खड़ी की है तो ये कैसे संभव कर पाए? कुशल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मुश्किलें तो हर बिजनेस में आती हैं, लेकिन जो मुश्किल को पार करके जो निकलते हैं वही असली बिजनेसमैन होते हैं। गढ़चिरौली जैसे जिले में रियल एस्टेट में काम करना ये भी काफी चैलेंजिंग ये है, क्योंकि उससे पहले भी वहां पे कई बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे काम कर रही थी, तो उनके कंपोनेंट में काम करना, उनके अपोजिट में काम करना ये कोई इजी काम नहीं था। और जैसे हमारा काम है, जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, एडवाइजर बनाना पड़ता है, उनको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, एक एक लोगों को बनाने के लिए काफी दिन लग जाता है, तो ये सब बनाने में काफी टाइम लगता है और जितनी मेहनत उनको बनाने में लगते है उतना ही उनको कंसिस्टेंसी काम करने में उतनी ही मेहनत लगती है। तो मुश्किलें तो काफी आई, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लैंड की प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटेशन का हो, काफी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन बिजनेस है तो ये सब तो आते ही रहते हैं और उसको ही पार करना यही बिजनेस में। क्या बात है सर। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने सुना है कि कई बार आप चारों के जो लिए हुए फैसले होते हैं वो एक समान होते हैं, तो कैसे संभव है ये? अभी जैसे मनीष सर ने अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था मैडम कि सब हम आपस में डिस्कस करते हैं। सेम एज है और जो भी निर्णय हम टेबल पे लेते हैं मैडम तो सब मिलके ही फाइनल करते हैं। बट सर, ऐसा कहा जाता ना कि 5 उंगलियां समान नहीं होती, तो आप में कोई ऐसा होगा जो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता होगा, कोई बहुत नॉर्मल बिहेव करता होगा, तो जैसे चारों के जो नेचर्स हैं वो भी एक समान कैसे पॉसिबल है? एडजस्टमेंट है मैडम, उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ। कभी तू मैं में भी हमारे में होती है मैडम, पर बस सब साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, पहले सारी चीजों को कर देते हैं उसके बाद ठीक है मैनेज हो जाएगा ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। और जैसे 5 उंगली का आपने बात किए, तो 5 उंगली का काम सबका अलग अलग होता है। हम इतना जानते हैं कि हम चारों में कुछ ना कुछ अलग बात है। जो टैलेंट मनीष सर में है वो हम में नहीं है, जो मुझ में जो कर सकता हूँ ये बाकी लोग नहीं कर सकते, इसी तरह इन दोनों का भी है। अच्छा। तो बात ऐसे होते है कि जिस मोटिव से हमने बिजनेस यानी हमारी कंपनी ओपन की थी, लॉन्च की थी, उससे वो डिसाइड हो गया था कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें करना क्या है, और तभी हमारे विचार जुड़े थे, हमारी सोच जुड़ी थी, हमारे आइडियाज जुड़े थे, इसी वजह से हम जिस तरह से डिसीजन लेते हैं तो वो सभी को अपील होते हैं, एग्री हो जाते हैं सब।
रंजीत सर ये बताइए कि माइलस्टोन जिसके आप लोग संस्थापक हैं, तो माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। मैं जाना चाहूंगी इसे आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए। माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब आपने जैसे बताया कि मील जो अपन दर्शाते हैं ये आगे चल के अपन कितना किलोमीटर चलना है, क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, या फिर कहाँ पर स्टॉप होना है, ठीक है। लेकिन माइलस्टोन का मीनिंग ऐसा है कि मील तो आपने बताया है, लेकिन कैसे जहां तक जाना है अपने को, कहां तक जाना है, क्या करना है, वो डिसाइड रहता है कि जैसे लंबा जाना है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाना है हमको, तो एक माइलस्टोन डिसाइड रहता है इतना किलोमीटर का है। अच्छा। लेकिन गढ़चिरौली में माइलस्टोन कंपनी जो माइलस्टोन अपन ने ओपन किया है वो जाना है बहुत ही दूर, यानी सबको लेके चलना है। जैसे एक अपन ने डिसाइड कर लिया कि जाना है, पहुंचना है, लेकिन जब तक अपन डिसाइड नहीं करें कहां तक जाना है, कहां तक पहुंचना है, पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए माइलस्टोन एक ऐसा है कि माइलस्टोन एक कंपनी नहीं है मैडम, एक्चुअली माइलस्टोन एक परिवार है। क्या बात है, एक परिवार है। हाँ। जो हम लेके चलते हैं सबको साथ में। हाँ। जैसे देखो अगर बढ़ना है तो हम खुद चारों बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन अगर सबको लेके बढ़ना है और सबके घर में अगर कुछ रोजगार देना है तो माइलस्टोन है। सही बात है, मतलब खुद के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन असल व्यक्ति वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा करे, दूसरों को भी लेकर चले, तभी आपका जो बिजनेस है वो ऊंचाइयों को छू सकता है। मनीष सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे तो ये क्वेश्चन आप सभी को लागू होता है, लेकिन मनीष सर आप बताइए कि हमने सुना है कि आपके लेआउट का ज्यादातर नाम स्वप्नपूर्ति रखा जाता है, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? जैसे हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो किस वजह से आपने अपने लेआउट का नाम जो है वो स्वप्नपूर्ति रखा है? मैं आपके क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे हर किसी का एक सपना होता है कि एक जो भी कमाई करता है मिडिल क्लास, मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से, कि एक छोटा सा घर हो उसका या फिर एक छोटी सी जगह हो जहाँ पे वो अपने सपनों का महल बना सके। तो हमने वही एक सोचा कि जो किसी भी आदमी को खुद से रिलेट करे, जो नाम ऐसा क्या रख सकते हैं हम, तो फिर वो एक आदमी अगर उसकी सपनों की पूर्ति का अगर कोई कर रहा है तो फिर वो स्वप्नपूर्ति के नाम से हमने वो फ्लैगशिप चलाई थी। क्या बात है। कुशल सर ये बताइए कि गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में, खैर अभी नक्सलाइट तो बोलना नहीं चाहिए बिकॉज डेवलपमेंट के नाम पर आज गढ़चिरौली में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो आप माइलस्टोन के संस्थापकों का भी है, तो ऐसे में जो लेआउट है आज हम देखते हैं कि लेआउट की कीमत जो है वो मकान बनाने से ज्यादा हो गई है, तो आप लोग कैसे उस चीज को मतलब बताते हैं, प्रॉपर तरीके से समझाते हैं अगले व्यक्ति को? पहली बात तो यह है कि मैं अपने जिले को जैसे आदिवासी है या हाँ। फिर बिलो पावर्टी लाइन होगा या फिर ट्राइबल होगा, ये तो मैं अपने जिले को कुछ कम नहीं समझता पहली बात तो। और जिस तरह वहाँ के लोग जैसे उनका नेचर है एकदम शांत, नो वायलेंस, जैसे नो वायलेंस सिटी है हमारी गढ़चिरौली, तो वहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे है, कोऑपरेटिव है। हमने जिस तरह से यानी काम शुरू किया था शुरुआत में बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, जैसे जहाँ रास्ते नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं होती, वहाँ तक पहुँच कर जैसे अंदर अंदर जो छोटे छोटे गांव रहते हैं वहाँ पे भी कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं जो बाहर आना चाहते हैं, जैसे उनकी सर्विस तो अंदर डीप के एरिया में तो हो जाती है, लेकिन उनका सपना रहता है कि हमारा एक यानी जो जिले का मुख्य शहर है गढ़चिरौली शहर है वहां पे हमारा घर होना चाहिए, हमारा सपनों का घर होना चाहिए। तो हम जैसे तो हम मार्केटिंग तो ऐसे नहीं करते कि ऐसे कोई पॉम्पलेट छाप दिए, कोई बैनर लगवा दिए, ऐसे तो नहीं करते। अच्छा। लेकिन हमारे जितने भी एडवाइजर रहते हैं वो गांव गांव जाकर हमारी कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाते हैं। अच्छा। उन तक पहुंचाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको अवेयर कराते हैं कि आप गढ़चिरौली में प्लॉट कैसे ले सकते हैं, किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज है उनके उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं, जैसे गढ़चिरौली जिले में सिटी में आकर वो रह सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए कितना अच्छा हो सकता है, ये सारी बातें उनको समझाते हैं, उनको
बताते हैं तब जाकर वो हमसे जुड़ते हैं। आशीष सर ये बताइए कि गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में उचित दाम पर जो आप लोग लेआउट उपलब्ध कराकर लोगों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं? अभी मैडम जैसे आदिवासी जिला है हाँ। उसके बाद में नक्सल का वहाँ पे ये गए 2-3 साल से थोड़ा कम है हाँ हाँ। तो उसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसा गांव वैसा भेष जो बोलते लोग बोलते बिल्कुल बिल्कुल जैसा गांव वैसा भेष उसी तरह से हम हमारे टीम हर गांव में जाके हर मेंबर को पूछने के बाद में पर्टिकुलर जो इंटरेस्टेड है या उसे कोई भी सुविधा चाहिए जैसे बैंक फाइनेंस हो या अदर जो भी विषय है तो ऐसे हम प्रोविजन करके वहां तक हम करके देते हैं। संजीत सर ये बताइए कि कुछ फर्क लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र हर टाइप के लोगों की जो समझ है वो एक जैसी नहीं होती तो ऐसे में आप लोगों को उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? देखिए आपने जो बोला अभी ग्रामीण और शहर बिल्कुल शहरी विभाग ग्रामीण विभाग ठीक है ना। ग्रामीण विभाग में कैसे जो फैसिलिटीज अपन ग्रामीण में मिलते हैं वही भी मिलेगी लेकिन शहरी विभाग में जो शहर में ज्यादा मिलता है ग्रामीण विभाग से जो ग्रामीण विभाग में नहीं है वो शहर में है बिल्कुल बिल्कुल जो शहर में है वो ग्रामीण में नहीं है ठीक है ना। बात ऐसी है कि उनको वहां से अवेयरनेस यानी अगर ग्रामीण में लेआउट डालेंगे हम या फिर समझे 100-200 लोगों का एक ग्रामीण विभाग है या फिर एक गांव है वहां पर लेआउट डालेंगे तो वहां पर प्लॉट सेलिंग नहीं होगी मैडम। लेकिन वहां से जो सरकारी कर्मचारी है या फिर जो जिनके पास पैसे है वो लोग अगर शहर में आना चाहते हैं क्योंकि कैसा है एजुकेशन जो मस्ट है अभी अगर एजुकेशन अगर अच्छा ना मिले अपने बच्चों को तो कैसे उनका फ्यूचर थोड़ा धोखे में रहेगा तो ग्रामीण के लोग शहर में आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं बस उसी तरह से हमको मोटिवेट करके या फिर उनको कन्विंस करके हम शहर में आने की कोशिश करते हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं या फिर शहर में एक इन्वेस्ट कीजिए या फिर अपना सपना का महल तैयार कीजिए उसी तरह से बात करते हैं। मनीष सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि न सिर्फ मैं अभी गढ़चिरौली की बात कर रही हूँ बल्कि आज हमारे देश में जितने भी राज्य हैं जो कि खास करके पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब एजुकेशन के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर कोई सरकारी नौकरी हो उसके लिए जब शहर जाते हैं तो वापस अपने गाँव नहीं आना चाहते। अगर मैं गढ़चिरौली की बात करूं तो आज 70% यंग जनरेशन जो है वो शहर में आकर अच्छा एजुकेशन लेती है अच्छे बिजनेस करती है अच्छे मतलब सरकारी नौकरी में होती है लेकिन वापस नहीं जाना चाहती। और एक बहुत बड़ा आज माइलस्टोन के संस्थापक मतलब आप चारों लोग युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण है क्योंकि आप लोगों ने गढ़चिरौली में ही पले बढ़े गढ़चिरौली में ही रहकर एक अच्छा एजुकेशन लिया एजुकेशन के साथ ही साथ आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होकर वहीं के लोगों के लिए वहीं के लोगों के बारे में सोचा मतलब उन्हें रोजगार देने के बारे में सोचा वहां पर एक अच्छा डेवलपमेंट जो है वो सिटी तैयार करने की कोशिश की तो ये कैसे संभव है? क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि ऐसा सोच आज की युवा पीढ़ी जो है वो रख रही है? बिल्कुल मैम मैं आपके बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। स्टार्टिंग में हम भी काम के इसमें हमारा शहर छोड़ के बाहर गए थे जी। पर बाद में जब हमें कुछ चीजों का पता लगा कि बाहर अगर हम काम करते हैं तो वो ही सिटी बढ़ेगी और गढ़चिरौली के लिए काम कौन करेगा तो उसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी चीजें जो गढ़चिरौली में डेवलप करने के लिए थी वही उसी को ध्यान में रखते हुए हमने गढ़चिरौली से काम स्टार्ट किया लेआउट प्लान बनाया उसको डेवलप किया और सेलिंग के लिए मार्केट में उतारा जी। कुशल सर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा था कि ग्रामीण ग्रामीण से लोग शहर में जाके जॉब ढूंढते हैं बिजनेस करते हैं लेकिन जहाँ पे रहते हैं वहां पे डेवलप कौन करेगा फिर वापस अपने गांव आना ही नहीं चाहते बिल्कुल आना ही नहीं चाहते। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमने भी फेस की थी हम भी बाहर गए थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया
किसी कारणवश हमें जॉब नहीं मिल पाई या फिर कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना फिर अपने ही गांव में रह के कुछ अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करते हैं। इसलिए तो जिस तरह से हमने हमारी कंपनी शुरू की है वहां पे काफी लोग काम करते हैं, काफी लोग हमसे जुड़े हैं और काफी लोगों का घर हमारे से चलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि नए नए लोग हमसे जुड़ते हैं और उनकी फैमिलीज भी हम पर डिपेंड रहते, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं और आगे भी यही हमारी सोच है कि ऐसे ही आगे हम उनके लिए कुछ करते रहे और आगे बढ़ते रहे सब साथ में चल के, मतलब सबका साथ सबका विकास। क्या बात है सर, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर आज आप चारों से ही ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने जो पोजीशन हासिल की है उसके पीछे आप अपना श्रेय किसे देते हैं। मनीष सर सबसे पहले आप बताइए। ऑब्वियसली अपने माता पिता को और जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमसे जो जुड़े हैं, जो हमारे साथ में आज काम कर रहे हैं, उन सभी को ये जो सफलता माइलस्टोन की मिली है ये उसका श्रेय उन सभी को जाता है। जी कुशल सर। बिल्कुल, माता पिता को श्रेय तो सबसे पहले जाता ही है, लेकिन उसके बाद उससे पहले भी हमारे जो आराध्य देवत है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, हम उनको उनकी पॉलिसी को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। यानी जैसे उन्होंने खुद का स्वराज्य बनाया था, छोटा हो लेकिन खुद का हो और खुद ही लोगों को जोड़ना है, खुद के लिए काम करना है, उनको ये भी सिखाना है कि आप भी खुद के लिए काम करो, यही पॉलिसी के लेकर हम काम करते हैं। आशीष सर, जैसे अभी सर ने कहा है कि सबसे पहले माता पिता, हम मेरे तीन पार्टनर्स, मेरी पूरी टीम और उसके बाद में जो भी हमें हमारे टीम पे सभी को जो जो लोगों को भरोसा है ये सबके सबको मिला के ये टीम हमने खड़ी की है। बिल्कुल। रंजीत सर, देखिए सभी ने बोला है कि सबसे पहले श्रेय तो माता पिता को ही जाएगा, ये तो बिल्कुल यानी पत्थर पे लिखी हुई एक लकीर है, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी है कि सपोर्ट के बिना, किसी के भी सपोर्ट के बिना हम किसी भी एक लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। जी, जो लक्ष्य हासिल करना है वो तो बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जैसे आपने बोला था उसी तरह से वही काम चल रहा है। अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे इससे हम हमारी कंपनी हमारे लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद रखते हैं सबसे कि सब लोग सपोर्ट करें। मेरा आखिरी सवाल आप चारों से एक बार फिर यही रहेगा कि आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आज हमारे स्टूडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो लोग सुन रहे हैं हमारे दर्शक, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। शुरुआत मनीष सर मैं आपसे ही करना चाहूंगी। मैम हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं वो एक विश्वास के साथ करते हैं, तो उसी विश्वास को मद्देनजर रखते हुए आप अपने सपनों का घर करना है तो माइलस्टोन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपके इस बात पर मुझे एक छोटा सा कोट याद आता है। जी। देश के जाने माने बिजनेसमैन, सबसे बड़े टाइकून श्री रतन जी टाटा, उनका एक छोटा सा कोट है। उन्होंने कहा है कि आपको अगर तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, आप तेज भाग सकते हैं, लेकिन आपको अगर लंबा चलना है तो आपको सबको साथ में लेकर ही चलना है। तो इसे ही कोट को मद्देनजर रखते हुए हम भी यही सोचते हैं कि अगर लंबा चलना है तो सब साथ में चलना है। हम भी सोच सकते हैं कि मैं भी कुछ अलग से बिजनेस कर लूं, कुछ अपने छोटा सा खुद का बिजनेस शुरू कर दूं, लेकिन उसमें जो मजा है वो उतना नहीं है जितना सबके साथ मिलकर काम करने में। जैसे माइलस्टोन फैमिली है हमारी, माइलस्टोन की टीम है, हम यही सोचते हैं कि सब साथ में रहेंगे तो लंबा चल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, काफी कठिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बात किसी को समझती है तो किसी को नहीं समझती, ये बात बहुत मायने रखती है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो इसलिए टीम बना के चलो,
सबका साथ देके चलो, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। क्या बात है आशीष सर। जैसे अभी कुशल सर ने बोला था 5-10 मिनट के पहले कि हम शिवाजी महाराज को बिलीव करके चलते हैं, उसी तरह एक स्वराज्य उन्होंने जो निर्माण किया था वही हमें एक तैयार करना है हमारे गांव में, हमारे गढ़चुल्ली में। और सभी टीम का एक सपोर्ट रहा मैडम, तो रायगढ़ भी हमारा ही होगा और कोंडाना भी हमारा ही होगा। रंजीत सर। सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम अगर नहीं रहा तो कामयाबी कभी आती नहीं है। अगर मिलजुल के काम करेंगे, सर ने बताया कि सबको का सपोर्ट जरूरी है, इससे पहले भी हमने बोले कि एक सपोर्ट सिस्टम जो रहता है वही चाहिए है। अगर साथ में रहेंगे, अब नए जो युवक है वो लोग यानी ज्यादा से ज्यादा पता है कि ध्यान देते हैं नौकरी के पीछे, ठीक है ना, वो भी चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर अपने गाँव में, अगर गाँव को अगर कुछ बड़ा करना है, गाँव में रह के बड़ा करना है, फिर गाँव को विकसित करना है, तो सबको साथ में रहना पड़ेगा। और नए जो युवक है उनको ऐसा सोचना चाहिए कि बाहर नहीं गांव में सब कुछ है, तो गांव का विकास करो और गांव के साथ चलो। आपकी इसी सोच, इसी जज्बे को हमारे इन विजन की पूरी टीम करती है सल्यूट। दोस्तों, इन विजन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे गढ़चिरौली के माइलस्टोन के संस्थापक मनीष लांबट सर, आशीष कंवार सर, रंजीत दास सर और कुशाल गेडाम सर। आप चारों का एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि दोस्ती से लेकर बिजनेस पार्टनर तक का सफर इन्होंने अपनी आपसी सूझबूझ और विश्वास के साथ हासिल की है, जो आज के समय में देखना शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और अगर ये इस सिलसिला जो है वो इसी तरह आगे भी बढ़ता रहा तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब गढ़चिरौली डेवलपमेंट के नाम पर माइलस्टोन का नाम सबसे पहले आएगा। इन विजन की खास मुलाकात में एक बार फिर मैं रूपा पंडित आपको देती हूँ इजाजत। आप देखते रहिए इन विजन न्यूज। नमस्कार।